नमस्ते, आज मैं शर्मिली के साथ हूँ और शर्मिली एक ढाई महीने की देसी पपी है। शर्मिली ढेर सारी चीजें सीख रही है पर उसमें अभी भी कुछ ऐसे व्यवहार है जिसपे अभी से ही काम करना जरूरी है, जिसमें से एक है दूसरों पर कूदना। ये बहुत ही आम बात है, जैसे हम एक दूसरे से आमने सामने मिलते हैं वैसे ही पपीज भी हमसे उसी तरह से मिलना चाहते हैं। क्योंकि वो इतने छोटे हैं इसीलिए वो हम पे कूदते हैं ताकि वे हमसे आमने सामने मिल सके। आम बात होते हुए भी कई लोगों को ये आदत बड़ी ही चिड़चिड़ी लगती है। एक ढाई महीने की पपी के लिए ये बर्ताव ठीक है, लेकिन जैसे ही वो बड़े होने लगते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है, उनके नाखून बड़े हो जाते हैं और वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। हम हमारे पपी को सिखाना चाहते हैं कि किस तरह वे चार पैर पर अच्छे से खड़े हो इससे पहले कि उन्हें ट्रीट्स या प्यार मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले आपको अपने पपी को आपके बोलने पर बैठना सिखाना होगा। शर्मिली को पहले से ही बैठना सिखाया है, लेकिन दिक्कत ये है कि जब भी मैं उससे पेट करने के लिए या ट्रीट देने के लिए नीचे झुकती हूँ वो ऊपर उठ जाती है और ये हमें नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि वो अपने चारों पैरों पर खड़ी या बैठी रहे। जब तक मैं उसका ट्रीट निकालती हूँ तब तक वो बैठ के इंतजार करती है, लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ झुकती हूँ ट्रीट देने के लिए वो वैसे ही ऊपर उठ जाती है। वो ऐसे ना करे इसके लिए हमें ये करना होगा। अगर आपके ट्रीट देने पर या पेट करने पर वो अपने पैर ऊपर उठाए तो आप एक कदम पीछे हट जाइए। ये करने से वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी और फिर से अपने चारों पैरों पर बैठ जाएगी। उसके बैठ जाने पर ही आप फिर से कोशिश करिए। तो हम वापस कोशिश करते हैं। Yes, good girl. And then she gets the pet. Let's try one more time. Nope. Yes, good girl. मैं उसे ट्रीट देके बैठे रहने के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ। Come here. We're gonna try it again. Off. Sit. Yes. Good girl. And it shouldn't matter. आप ये आसानी से देख पाएंगे कि जैसे ही आप उसकी तरफ झुकने के लिए तैयार हो रहे हैं वैसे ही वो भी ऊपर उठने के लिए तैयार हो रहा है, और उसी समय आपको एक कदम पीछे हट जाना है, ना कि उस समय जब वो पूरी तरह उठ जाए। जब आप उसकी आंखों में देख के उसे जानेंगे तब ये करना आपके लिए आसान होगा और इसी तरह आप उसका अगला कदम भी जान पाएंगे। तो हम वापस कोशिश करते हैं। Yes, good girl, Sharmili, nice job. And when your dog does the right thing. अगर आपको उसके बर्ताव में हल्का सा भी सुधार दिखे, चाहे वो आधे सेकंड का भी क्यों ना हो, तो आप जरूर उसे ट्रीट्स दीजिए और अपने आवाज से भी उसे प्रोत्साहित करिए। उससे वो ये समझ पाएंगे कि अगर वो अपने पैर ना उठाए तो उसे बहुत सारे ट्रीट्स मिलेंगे। And I decide not to do that, I get a good thing for it. Yes, good girl, nice job. So I'm going to take her. अब हम उन्हें एक ब्रेक देके एक चक्कर लगा के फिर शुरू करेंगे। If your dog, whoops. कई बार वो अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन थोड़ी ही देर बाद वे फिर से अपने पुराने बर्ताव पर चले जाते हैं। तो हम वापस कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि क्या उसे अभी भी वो याद है। Yes, good girl. No. Sit. Sit. Yes, good girl. तो मैं इसे एक ट्रीट दे रही हूँ। And taking the treat. Good sit. Now we're gonna do a pet. Yes, good job. Good sit. Nicely done, Sharmili. Yes, good girl. Nice. इस एक्सरसाइज को आप दिन में 5 से 10 मिनट के लिए 3 से 4 बार दोहराइए। तब वो समझ जाएगी कि उसे जो चीज चाहिए वो उसे तभी ही मिलेगी जब वो बैठी रहेगी। And that's when she gets what she wants. Well done, Sharmili. Good job. After they're, you know, sitting and taking treats nicely. अब जब वो अच्छी तरह से बैठना सीख जाए फिर आप धीरे धीरे उसकी तरफ ट्रीट लेकर बढ़ सकते हैं। इसका उद्देश्य ये है
कि वो पूरी तरह से बैठी रहे है जब तक हम उसे ट्रीट देने के लिए पूरी तरह झुक ना जाए. So we can go ultra slow. Sit. Yes. Yes. Good girl. इस बार हम नीचे बैठ के कोशिश करते हैं. Nope. See. And मेरे बैठने पर ही वो अपना सारा ट्रेनिंग भूल गई. तो ये बहुत ही आम बात है. This is totally normal. क्योंकि आपका पपी इतनी आसानी से नहीं समझ पाएगा कि उसे हर सिचुएशन में वैसे ही बर्ताव करना है. Outside. That's why we need to make sure we're doing activities like this in lots of different positions. इसीलिए ये जरूरी है कि आप उन्हें अलग अलग सिचुएशंस में ये ट्रेनिंग दें ताकि वो समझ पाए कि उसे हर जगह ऐसे ही बर्ताव करना है. तो हम वापस कोशिश करते हैं. I should even be able to hold it out without her coming towards me to come get it. Yes, good girl. That was really good. This is gonna be. ये basic चीजें हैं जिससे आपको कोई भी training करने के लिए आसानी होगी. अब तक हमने ये सीखा कि आपका पपी आप ही पर ना कूदे, लेकिन जब आप अपने पपी को बाहर वॉक पर ले जाते हैं तो यही बर्ताव उनके ओर भी अच्छा होना चाहिए. तो ये सीखने के लिए अब हम सलोनी को बुलाएंगे. All right, so now I have Saloni here with me and she's going to be my other person who Charmaine. तो जब आप अपने पपी या डॉग को बाहर वॉक पर ले जाते हैं और आपको कोई अपने जान पहचान वाला मिल जाता है तो आप ये नहीं चाहते कि आपका पपी आपके पहचान वाले पर कूद जाए. So when you're taking your dog out, उस समय ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आपका पपी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ना कि वो दूसरा व्यक्ति. आप उस व्यक्ति को अपने पपी को पेट करने से रोक सकते हैं और उसमें कोई गलत बात नहीं है. तो अब हम देखते हैं कि वो सलोनी पे कूद जाती है या नहीं. Okay, so see how she's trying to stop. You can step between. Yes, wait. और अपने दोस्त को तभी ही उन्हें पेट करने के लिए कहिए जब वो बैठ जाए. As soon as, if you want to go ahead and go in and pet her, as soon as she tries to pop up again, oh good, nice, yes, good girl. Come here. Wait. जैसे ही आप देखते हैं कि वो उन पे कूद रही है, आप उन दोनों के बीच में आ जाइए. ध्यान रखिए कि आपके दोस्त आपके पपी को कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहे. ये जरूरी है कि आपका पपी सिर्फ आपकी सुने और आप ही से जाने कि क्या करना सही है या गलत है. तो हम वापस कोशिश करते हैं. Now back it up a little bit. All right. Come on, Charmaine. Hey. Okay. अब फिर से अपने दोस्त को उसे पेट करने के लिए कहिए. Yes, good girl. Very nice. Come here. Charmaine, come here. अब आप अपने दोस्त को पपी की तरफ आने के लिए कहिए और देखिए कि वो किस तरह बर्ताव करती है. Yes, good girl. Very good girl, Charmaine. She's like, I'll just play with your shoes instead. Good job. Very nice. अगर वो अच्छा करने के बाद भी फिर से वही गलती दोहराती है तो घबराए नहीं. ये बहुत ही आम बात है. You know, get it every single time in the beginning? Yes, wait. If you know. अगर आपके पपी के बर्ताव में सुधार नहीं है तो उसे अपने दोस्त से दूर रखिए और उसे बैठने के लिए प्रोत्साहित करें. उसे उस वक्त के लिए नजरअंदाज कर दीजिए और उसे बैठे रहने के लिए एक ट्रीट दीजिए. ये शर्मीली के लिए बहुत ही अच्छी शुरुआत है और केवल 15 मिनट के भीतर हमने उसमें बहुत अच्छा सुधार देखा है. She was behaving totally differently, so I'm really pleased with our progress today. Thanks, Saloni. अगर आपको लगता है कि शर्मीली बहुत ही प्यारी है तो उसे अडॉप्ट करने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. अगर आप किसी को जानते हैं जिसका पपी या डॉग इस तरह से बर्ताव करता है तो उनके साथ प्लीज ये शेयर करिए. उनके कूदने की आदत और कई और बर्ताव के कारण उन्हें शेल्टर में छोड़ दिया जाता है, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ही जरूरी है.